सरकारें अपनी मशीनरी का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रही है जिसका आम आदमी खामियाजा भुगत रहा है, और सरकारें आम आदमी के लिए बनी है न कि कुछ विशेष लोगों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कुल 500-600 परिवारों के लिए अपनी नीतियां दिल्ली में बनाते जा रही है। वो रातों रात नीतियां बनती जाती है। हम लोगों के सदन में संख्या कम होने से, हम लोगों के नेताओं के पुरजोर विरोध करने के दम से, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए 2024 के लिए? इस बात को सीधे और सरल मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग सरकार से खुश हैं, संतुष्ट हैं, वो अपनी हाथ उठाएं। क्या आप लोग सरकार से खुश हैं? यही भ्रम तीसरा व्यक्ति आके फैलाएगा, ऐसे ही आप लोग हाथ उठाओगे। अब सरकार से जो लोग नहीं खुश हैं, असंतुष्ट हैं, वो अपना हाथ उठाएं। ये है हमारा असली भारत का लोकतंत्र। लेकिन ये हाथ उठाने की इजाजत आपको 4 जून 2024 से पहले तक है। 2024 4 जून के बाद रात को 8 बजे हो सकता है कि ऐलान आए कि भारत में चुनाव खत्म हुआ, तो ना कोई प्रधान बनेगा, ना कोई बीडीसी मेंबर बनेगा, ना कोई विधायक बनेगा, ना कोई सांसद बनेगा। दुनिया के और मुल्कों में इन तानाशाही विचारधारा के लोगों ने लोकतंत्र को कुचल डाला है, उसको मार डाला है। जो लोग कुछ दिन पहले 1950 से पहले भी आपको वोट देने के अधिकार में नहीं थे, आज भी वो लोग आपका विरोध करते हैं। 19 अप्रैल को आप लोगों के पास लखनऊ के जरिए दिल्ली में अपनी बताने की स्थिति में आप आए कि आप जिंदा हैं।